अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो उसमें आपने मेथड बताना होगा। और यह क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो इसमें आपने रिएक्शन बताना होंगे कि एनोड पर और कैथोड पर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। अब कॉपर क्या है? कॉपर एक मेटल है। मेटल्स कहाँ पर होती हैं? जेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स में हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर कॉपर मेटल मौजूद है। वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग यानी खुदाई करते हैं, कान कान बनाते हैं, माइंस बनाते हैं। ठीक है, माइंस के अंदर से हम जाके मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी जगह पर कॉपर मेटल की अमाउंट ज़्यादा है। उस पत्थर को काट के ना, तोड़ के हम बाहर ले आते हैं, तो उस पत्थर को क्या कहा हमने? मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल में ये जो रेड कलर का पोर्शन मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये क्या है? ये वो मिनरल का वो हिस्सा है जिसमें कॉपर कंपाउंड्स की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, कॉपर मेटल के जो कंपाउंड्स हैं उनकी अमाउंट क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। बाकी क्या है? मट्टी पत्थर है। तो मट्टी पत्थर को हमने तोड़ के मुख्तलिफ किस्म के मशीनों से तोड़ के उसे सेपरेट आउट कर लिया, और वो जगह जहाँ पे कॉपर की अमाउंट ज़्यादा है, कॉपर मेटल कॉपर के कंपाउंड्स की अमाउंट ज़्यादा है, उसे हमने कहा कॉपर ओर। ठीक है, कॉपर ओर को सेपरेट करके ले जाते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री वो जगह, वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री जहाँ पे मेटल्स की सफाई का काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस के ज़रिए इसको साफ किया जाता है। इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, कंपाउंड्स हैं ना, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। इसमें सल्फर मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। वो सब हमने क्या करना है? हमें सेपरेट करके प्योर कॉपर को सेपरेट आउट करना है। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करने के बाद, मुख्तलिफ प्रोसेसेस करने के बाद भी हमें जो कॉपर मिलता है उसकी परसेंटेज होती है 98%। मतलब अभी भी इसमें 2% इम्प्योरिटी मौजूद है। इस 2% इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है? कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, कॉपर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कॉपर वायर्स हम यूज़ करते हैं बिजली के इस्तेमाल में, तो वो जो कंडक्टिविटी है वो इसकी अफेक्ट होती है 2% इम्प्योरिटी की वजह से। तो हम इसकी कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें ये जो 2% इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्लियर है? अब क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम इम्प्योर कॉपर, वो कॉपर जिसकी परसेंटेज क्या है 98%, उसमें कॉपर है, 2% इम्प्योरिटीज़ हैं। तो वो 2% जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये कॉपर क्या है? इम्प्योर कॉपर है, ना खालिस कॉपर है, जिसको हमने रिफाइन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। ठीक है, अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमें चाहिए होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने पढ़ चुके हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो रिएक्शन जो कि खुद बखुद नहीं हो सकता, उसे होने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की, किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत होती है। वो मदद हम कहाँ से लेते हैं? हम बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस कंटेनर में हो सकता है। तो वो कंटेनर जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनाते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं। ये क्या है? ये कंटेनर है जिसे हमने कहा ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हम बनाते हैं वुड से, ग्लास से या सीमेंट से। इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि अपने एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल हो। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कोई भी सब्सटेंस जिसे हम पानी में डिजोल्व करें तो वो एक्वस स्टेट होगी, या अगर हम उसे पिघला लें, मेल्ट कर लें, तो वो उसकी मोल्टन स्टेट होगी। दोनों स्टेट्स में वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट में वो आइंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब आइंस होते हैं ना यहाँ पे, तो आइंस की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और हम दो मेटल की स्ट्रिप्स को यहाँ पे हैंग करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमने करनी है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर का रॉड है, हमने इम्प्योर कॉपर को साफ करना है ना, प्योर कॉपर बनाना है,
तो हम इम्प्योर कॉपर का जो 98% इम्प्योर कॉपर का जो रॉड है उसे हम लेंगे एनोड के तौर पे। एनोड के तौर पर क्यों? कि हमने उसे कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जब भी हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उस पे चार्ज क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या बन गया? एनोड। और जब हमारे पास जो है प्योर कॉपर मेटल है, जो पहले से हमारे पास कोई प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप मौजूद है, उसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो उस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। उसे हमने कहा कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा कि इम्प्योर कॉपर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखें, ये कॉपर के बीच में इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, AU और AG। AU का मतलब है गोल्ड, गोल्ड होता है ना, ऑरम, ऑरम कहते हैं हम। गोल्ड जो है उसका सिंबल क्या है? AU। और सिल्वर जो है, अर्जेंटम, इसका सिंबल क्या है? AG। ठीक है, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर जो है वो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से कॉपर की कंडक्टिविटी अफेक्ट होती है, कॉपर अच्छे से कंडक्टर जो है वो नहीं बन सकता। तो हमें इसको प्योर कॉपर मेटल्स को सेपरेट आउट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो है ये जो कॉपर एनोड है, ठीक है, एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेंगे? कॉपर आइंस। ठीक है, कॉपर आइंस ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं गोल्ड से और सिल्वर से। गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हर एक कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, हर एक कॉपर का सॉलिड मेटल एटम, ये जो है ये सॉलिड मेटल एटम है ना, इसलिए ये स्ट्रिप के साथ चिपका हुआ है। सॉलिड मेटल एटम जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितने चार्ज आएगा इस पर? कॉपर पे टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है टू पॉजिटिव चार्ज। टू पॉजिटिव का मतलब है कि इससे दो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। ठीक है, तो अब ये कौन से स्टेट में आ गया? एक्वस स्टेट में। ये कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाएगा। सोल्यूशन में आने के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए बैटरी इन्हें पुश करेगी कैथोड की तरफ। ठीक है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जितने भी कॉपर एटम्स थे उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ एनोड पर। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो बन गए कॉपर टू पॉजिटिव आइंस, यानी कैटाइंस। कैटाइंस जो हैं वो किस तरफ मूव करेंगे? वो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, कैटाइंस हमेशा जाते हैं कैथोड की तरफ और अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। कॉपर टू पॉजिटिव आइंस जो कि एक्वस में आ गए, पानी में आ गए, और एक्वस स्टेट से उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया कैथोड से। कैथोड से गेन करने के बाद उनका जो पॉजिटिव चार्ज था वो दो इलेक्ट्रॉन्स, दो नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये टू पॉजिटिव टू नेगेटिव से जब खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये दोबारा से न्यूट्रल मेटल एटम बन गया। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? ये अब सॉलिड स्टेट में आ चुका है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये कहाँ पर आया? कैथोड पर। तो जब ये कैथोड पर सॉलिडिफाई हुआ, कैथोड पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वहीं पर इसकी फिजिकल स्टेट तब्दील हो गई एक्वस से सॉलिड स्टेट में। तो ये सॉलिड स्टेट में अब सोल्यूशन में नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही चिपक जाएगा। ठीक है, तो जो प्योर कॉपर है उसके साथ ही ये अटैच हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा कि टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर का रॉड था वो क्या हो गया? वो ईटन अवे, खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, और वो सारे कॉपर एटम्स वहां से कॉपर आइंस की सूरत में आए और कहाँ पर डिपॉजिट हो गए? कैथोड पर। कैथोड जो है वो क्या बन जाएगा? एक थिक ब्लॉक बन जाएगा प्योर कॉपर का। तो ये हमारे पास अब क्या बन गया? प्योर कॉपर। ये जो सिल्वर और गोल्ड इम्प्योरिटीज थे ये तो किस वजह से मौजूद थे? कॉपर एटम्स के बीच में फंसे हुए थे। अब जहां पर कॉपर एटम्स नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे और इन्हें हम कहते हैं एनोड मड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एनोड से ये सिल्वर और कॉपर के जो मेटल एटम्स थे वो यहाँ से गिर गए। ठीक है, और गिर के यहाँ पे एक मड की सूरत में, एक वेस्ट मटेरियल की सूरत में सेपरेट आउट हो गए, नीचे बीकर में, बीकर के बॉटम में बैठ गए। तो इसे हमने क्या कहा? ये है एनोड मड। ठीक है, और प्योर कॉपर हमने क्या कर लिया? सेपरेट आउट। इसकी प्योरिटी होती है 99.9% प्योर होता है ये। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बना दिया कॉपर सॉलिड मेटल एटम, जिसकी वजह से ये कॉपर जो है वो प्योर कॉपर का थिक ब्लॉक बन गया और एनोड जो है वो खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर है? ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर।